फतेहपुर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखे अंदाज में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रसोई गैस सिलेंडर जमीन पर रखकर उसे फूल माला पहनाकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने बेतहाशा महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के साथ ही खाद्य पदार्थों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हल्ला बोला है। केंद्र सरकार के खिलाफ हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे ने सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। लूट, चोरी, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। सरकार अगर महंगाई पर जल्द काबू नहीं पाती है तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जिसने किसानों को पीट रखा है, आप जैसे मीडिया कर्मियों को पीट रखा है, हमारे पुलिस के जो कर्मी हैं उनको भी पीट रखा है, वो मुद्दा अलग है। लेकिन आज महंगाई को लेकर के जिस प्रकार से 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम है, डीजल भी 80 पास चल रहा है, उसकी जो ढुलाई होती है उसके कारण जितनी भी आवश्यक वस्तुएं सबके दाम बहुत एकदम आग लगी है। जो खाद्य तेल है, चाहे खाने की कोई भी सामग्री हो, आम एक व्यक्ति अपनी गृहस्थी नहीं चला पा रहा है, उसकी जो आय है उसके हिसाब से इतने बड़े खर्च हो गए हैं, इतनी महंगाई है कि आज तमाम व्यक्ति कल क्या होगा, कल कैसे अपनी गृहस्थी चलाएंगे, इसके लिए सोचने लगे हैं और इतने मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये सरकार, इसने केवल पूंजीपतियों को फायदा उठाने के लिए पेट्रोल के दाम बराबर बढ़ाते जा रहे हैं। अडानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब था, जो मध्यम वर्ग था, जो अच्छा काम भी कर रहा था कारोबारी, सब एकदम से उनकी व्यवस्था दड़ाम हो चुकी है। सब आज स्थिति ये हो गई है कि रोज के खाने के लाले पड़ गए हैं। उसी को लेकर के आज कांग्रेस ने ये 5 किलोमीटर की यात्रा की है, पद यात्रा, जिसमें हम तांगा और घोड़े लेकर के और साथ में रिक्शा लेकर के, क्योंकि पेट्रोल का पैसा है नहीं, इसलिए हम लोग पैदल भी चले हैं। और ये चेताने के लिए सरकार को कि आवश्यक वस्तुओं के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, खाद्य तेल के दाम, तत्काल गैस के दाम नियंत्रित करें, नहीं तो आज हम हैं, कल पूरी जनता सड़कों पर उतरेगी और आपको गद्दी से उतारेगी, यही हमारा संकल्प। महंगाई चरम पर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मध्यम वर्ग समाप्त होता जा रहा है। अब इस देश में पूंजीपति बचेंगे और मजदूर बचेगा, इस तरह की व्यवस्था जो है इस देश में तानाशाह सरकार कर रही है। रिजर्व बैंक को हैंग कर दिया है, इस समय जीडीपी विकास दर माइनस में चल रही है। अमेरिका की विकास दर 24% है, यहाँ माइनस में चल रही है, और यह अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह हमारा प्रधानमंत्री नकल कर रहा है। चार्टर्ड विमान खरीद के जिसमें 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उस तरह सारे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। 32,000 रुपए की सरदार की स्टेचू बनवा डाली, अगर सरदार जी होते तो रो रहे होते कि अगर 35,000-35,000 करोड़ की स्टेचू बनवा करके अगर इतने के 350 वो बन जाते, मेडिकल कॉलेज बन जाते, जिससे लोग डॉक्टरी पढ़ते लोग और देश की सेवा करते। लेकिन लोगों ने जो है इस तरह से करके बताया, इतना पैसा देश का बर्बाद किया गया उस स्टेचू बनवाने से क्या लाभ हुआ। सरदार पटेल अगर जिंदा होते उनको कितनी तकलीफ होती। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।